आर ग्लास बॉडी शेप सबसे आइडियल बॉडी शेप मानी जाती है, बट ऐसी शेप वालों को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या बनवाएं और क्या पहने। हाय, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन फैशन एंड स्टाइलिंग। मेरे चैनल पे हर एक बॉडी शेप के लिए ड्रेसिंग आइडियाज और स्टाइल टिप्स वाले वीडियोस हैं, जो कि आप सब लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो कैसे कपड़े पहने सो दैट उनकी बॉडी शेप बेस्ट लगे। अब इन सब में आते हैं आर ग्लास बॉडी शेप वाले। वैसे तो फैशन लैंग्वेज में ऐसी बॉडी शेप सबसे आइडियल मानी जाती है और हर एक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइंस में इसके जैसे प्रोपोर्शंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे ऐसी बॉडी टाइप वालों की भी ड्रेसिंग आइडियाज़ के लिए बहुत रिक्वेस्ट और मैसेजेस आते हैं, तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो अभी ज़रूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मैनी मैनी मोर सच वीडियोज। आर ग्लास बॉडी शेप का मतलब आपका बस्ट और हिप का मेजरमेंट सेम या फिर ऑलमोस्ट सेम होगा और आपकी कमर उनसे काफ़ी कम होगी। आपकी बॉडी जैसी है आपको उसको वैसा ही दिखाना है। बाकी बॉडी टाइप्स वालों को बॉडी को परफेक्ट दिखाने के लिए एम्फोसिस और फोकस पॉइंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, बट आपकी जो बॉडी शेप है वो एक आइडियल बॉडी शेप है, सो कहीं भी बैलेंस बिगाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो वो है आपके बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करने की। आप कोई भी ब्रॉड नेक लाइन्स पहनने की बजाय राउंड और वी नेक्स प्रेफर करें। ज़्यादा ब्रॉड नेक लाइन पहनोगे तो वो आपके शोल्डर एरिया को ब्रॉड दिखाएगा, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको रादर अपनी नेचुरल वेस्ट लाइन को हाईलाइट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई योक वाला डिज़ाइन पहनते हैं तो आपकी ड्रेस का योक बिल्कुल आपकी वेस्ट पे आए, जिससे कि वो एरिया हाईलाइट हो। इवन आपकी जो स्कर्ट्स या फिर लहंगा है उन्हें भी आप अपनी नेचुरल वेस्ट लाइन पर ही पहने। आप पे फिट एंड फ्लेयर स्टाइल्स बहुत सूट करेंगे, जैसे कि इंडियन वेयर में कोई फिटेड कलीदार कुर्ता या फिर अनारकली, और वेस्टर्न वेयर में रैप अराउंड ड्रेसेस और टॉप्स। ये आपकी वेस्ट के अराउंड अच्छे से फिट होंगे तो आपकी फिगर और अच्छी लगेगी। आप कोई भी खुले खुले कुर्ते या फिर ओवरसाइज टॉप ना पहने, ये उल्टा आपको बॉक्सी लुक देंगे और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को छिपा देंगे। ऑल्सो अवॉइड बहुत फ्रिली और रफल वाले टॉप्स एंड नेकलाइंस, बिकॉज वो भी आपकी पतली वेस्ट लाइन से फोकस हटा देंगे। अगर पहनना ही है तो उसे किसी फ्लेरी स्कर्ट के साथ पहनिए, सो दैट आपके बस्ट और हिप में बैलेंस बना रहे। हमें ये बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। अगर आपका बस्ट ज़्यादा हेवी दिखेगा या हिप एरिया ज़्यादा बड़ा दिखेगा, फिर तो आपकी जो नेचुरली परफेक्ट बॉडी है उसकी लुक ही खराब हो जाएगी। यू आर ब्लेस्ड विद एन आर ग्लास बॉडी शेप, जो एक्चुअली हर कोई चाहता है और किसी ना किसी तरह क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। आपके कपड़ों में वेस्ट डार्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज आपका बस्ट एंड हिप का साइज वेस्ट से ज़्यादा है, तो एक परफेक्ट शेप लाने के लिए फ्रंट और बैक वेस्ट डार्ट्स डालना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रंट डार्ट्स नहीं पसंद, देन एटलीस्ट बैक वेस्ट डार्ट्स तो ज़रूर लें। आप अपने किसी भी ब्लाउज या फिर क्रॉप टॉप में वेस्ट पे डिटेलिंग ले सकते हैं, जैसे कि कोई एम्ब्रॉयडरी या कोई लेस या फिर कोई हैंडमेड फ्रिंजेस भी लगवा सकते हैं। इनका आजकल काफ़ी ट्रेंड भी है। सिमिलरली, अगर आप कोई स्कर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ कोई ब्रॉड बेल्ट पहन सकते हैं। लहंगा है तो उसकी बेल्ट पे एम्ब्रॉयडरी करवा के वेस्ट लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। आजकल फॉर्मल इंडियन ड्रेसेस के साथ भी बेल्ट का काफ़ी ट्रेंड है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और वेस्टर्न ड्रेसेस में बॉडीकॉन यानी कि फुल फिटेड ड्रेसेस आपके लिए परफेक्ट हैं। ऐसी ड्रेसेस में आप अपनी कर्वी बॉडी शेप को पूरी तरह फ्लॉन्ट कर सकते हैं। देन बात करेंगे स्लीव डिज़ाइंस की। आप कोई भी एग्जैजरेटेड या फिर बड़ी बड़ी स्लीव्स, जैसे कि बलून स्लीव्स या फिर रफल्स वाली स्लीव्स ना पहने, ये उल्टा आपको बहुत ब्रॉड दिखाएंगे। रादर फिटेड स्लीव्स में अलग अलग डिज़ाइंस ही पहने, जैसे कि 3/4 या फिर चूड़ीदार स्लीव्स। इवन जो आगे से हल्की सी बेल शेप में स्लीव्स होती हैं वो भी आप पहन सकते हो।
बस ऊपर से फिटेड ही प्रेफर करें। हमारे यहाँ हर एक क्लाइंट की बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग की जाती है। आप जब हमसे कुछ भी खरीदते हैं तो पूरी कंसल्टेशन दी जाती है कि कौन सा कपड़ा आपकी बॉडी शेप के लिए बेस्ट रहेगा। आपको अगर हमारी वेबसाइट या फिर हमारे वीडियोस में से कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो आप हमें मैसेज या फिर कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे और हमारे पेज पे भी मैंशनड है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप किसी भी और ऐसे टॉपिक पे टिप्स जानना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।